नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। आपको उत्तर प्रदेश सरकार का परिवहन मंत्री अशोक कटारिया बताकर तहसीलदार धामपुर रमेश चंद चौहान के पुत्र को गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर लगभग 1.25 लाख रुपए की ठगी करने के मामले का धामपुर कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रंजन कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में गठित टीम में शामिल इंस्पेक्टर क्राइम नरेश कुमार, उप निरीक्षक गौरव चौधरी, पुलिस कांस्टेबल गौरव रात के साथ मध्य प्रदेश के जनपद भिंड के थाना दुर्पुरा अंतर्गत ग्राम मणिपुर दबिश देकर ठगी के आरोप त्रिलोकी पुत्र राजकिशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि इस मामले में तहसीलदार रमेश चंद चौहान ने 17 मई 2020 को धामपुर कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बिजनौर से हमारे संवाददाता सनी अहमद। धामपुर में कायम हुआ, उसमें जब विवेचना की गई तो विवेचना से जब इसका मोबाइल नंबर था उससे पता चला, इसकी आईडी से पता चला, तो ये जो है त्रिलोकी पुत्र राजकिशोर निवासी मानीपुर थाना सूरपुरा भिंड के रहने वाला है। आज इनको पुलिस द्वारा थाना धामपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, अब ये जेल में ले जा रहे हैं। सर, इन्होंने कितने पैसे ले लिए थे? इन्होंने 1.5 लाख रुपया ले लिया, उसमें से कुछ बरामद किए? हाँ, सारी बरामद की है पूरी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।